नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। पटना के केदारनाथ डेंटल क्लिनिक अत्याधुनिक सुविधाओं से है लैस। पटना हनुमान नगर केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग स्थित केदारनाथ डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर आलोक रंजन से श्री नारद मीडिया के वरिष्ठ संवाददाता मनोज तिवारी ने बातचीत किया। इस क्रम में डॉक्टर आलोक रंजन ने बताया कि दंत रोग से जुड़ी सभी रोगों का इलाज यहाँ अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा होता है। रोगियों को सही परामर्श के साथ आवश्यकतानुसार सर्जरी भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले रोगियों के रहने का भी उत्तम प्रबंध है। पटना से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। अभी हम केदारनाथ डेंटल क्लिनिक पटना में बैठे हुए हैं। अब मेरे सामने चिकित्सक डॉक्टर आलोक रंजन जी मौजूद हैं। इनसे हम कुछ जानना चाहते हैं कि देहात क्षेत्र में लोग एक ही दिन में पिन लगा देते हैं, दांत में पिन लगा देते हैं, और यहाँ कुछ दूसरा सिस्टम है, और हम इस पर जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि माने दंत चिकित्सालय के क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम शुरू किए हैं, आप हम लोग से जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि देहात क्षेत्र के लोग भी पटना आए तो उसके लिए क्या क्या आप व्यवस्था रखते हैं। दरअसल ये जो क्लिनिक की शुरुआत मैंने की, ये की है हर वर्ग के मरीज की सुविधा के अनुसार किया है। हर तरह का व्यवस्था है, या गांव से भी जुड़े हुए लोग आ सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा है, बगल में बाईपास हुआ, आपको रेलवे स्टेशन सब नज़दीक हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और क्लिनिक सेंटर पे भी उनके लिए उपयुक्त व्यवस्था विधि व्यवस्था है, जैसे एक रूम है, कक्ष है, उनको बैठने के लिए पानी की सुविधा, और उनको बीमारी से संबंधित जितने भी उपकरण हैं नए सब टेक्निक है। यहाँ पे एक्सरे की भी सुविधा उपलब्ध है। दरअसल जो आपने प्रश्न पूछा, ये क्लिप पिन जो लगता है उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोला जाता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि दांत जो आगे पीछे होते हैं उनको हम फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या क्लिपिंग जो भी प्रोसेस होता है उसमें, उसके तहत दांत को उसके एक नेचुरल पैटर्न में लाते हैं, जिससे कि दांत किसी का आगे पीछे अगर है वो, या जबड़ा किसी का आगे पीछे है, तो उसको हम लोग एक सही मैनर में लाते हैं। जैसे ये प्रोफाइल एक है, तो ये प्रोफाइल में क्या है कि ये बच्चे का दांत जो है जैसे आगे में ये निकला हुआ है जी। ये निकले होने से क्या होता है, लंबे समय तक अगर ये रहेगा तो बच्चे के हड्डी में विकास में कमी, दांत एक जो नेचुरल उसका प्रोफाइल है, स्माइल है, हंसेगा तब उसका दांत दिखेगा, या बोलेगा या चुप रहेगा फिर भी दांत दिखेगा, नीचे जैसे दांत है यहाँ जगह नहीं है, यहाँ आगे पीछे दांत है, तो इसको हम लोग सजाते हैं एक आर्च में। आर्च में सजाने के लिए क्या होता है, सबसे मायने होता है, सबसे पहला इसका करी है डायग्नोसिस। पहले आप बीमारी को समझिए, इलाज पे नहीं जाना है, पहले बीमारी आप समझिए। बीमारी समझने के बाद उसके जरूरत के हिसाब से जो भी जांच है जो भी है उसको करना होगा। जैसे इससे ये है, पहले उसका छाप जो दांत का होता है इम्प्रेशन, वो हम लोग बोलते हैं डेंटिस्ट्री में, उसको लेके हम लोग एक मॉडल तैयार करते हैं। ये मॉडल को हम लोग को मॉडल को समझना पड़ता है। ये मॉडल से हम लोग ये समझते हैं कि ये जो दांत है इसको कितना जगह में क्या हम लोग मूवमेंट देंगे तब ये दांत सजेगा, या किसी का स्माइल सुंदरता उसका निखरेगा। ये इससे जरूरत कुछ एक्सरे की जरूरत पड़ती है, जैसे एक इससे संबंधित मैंने एक एक्सरे कराया, ये एक्सरे है। ये जो एक्सरे है इसमें पूरे मुंह जबड़ा का आ जाता है। अब पूरा मुंह जबड़ा होने के नाते, एक डॉक्टर डेंटिस्ट होने के नाते हमको पता चलता है कि क्या ग्रोथ है हड्डी का बच्चे का, और दांत का क्या ग्रोथ है, और दांत आने वाले समय में क्या मूवमेंट दे सकता है, उस हिसाब से हम लोग को ट्रीटमेंट मैनेज करने में काफी सुविधा महसूस होती है जी। इसलिए ये सब फंडामेंटल है। इसमें खर्च वगैरह देखिए, इसमें इलाज पे खर्च डिपेंड करता है जी। कहने का मतलब कि इसमें सामान लगते हैं, थोड़ा ये लंबा समय खोजता है जी, मिनिमम एक साल का खोजता है, और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट का टाइम डिपेंड करता है मरीज के को जो दिया जाता है गाइडेंस, वो गाइडेंस पे वो कितना काम किया है, अपने मुंह का रख रखाव किस तरह किया हुआ है। मुंह का रख रखाव साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है,
उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट मैनेज होता है। नहीं तो मिनिमम 1 साल का ट्रीटमेंट इसमें लगता है, खर्च मिनिमम इसमें 20 हजार से लेके 70-80 हजार तक रुपया जाता है अपना केस के हिसाब से जी। इसलिए जैसे देहात क्षेत्र से लोग आते हैं तो आप रोटेशन भी बता दिए कि जंक्शन से उतर करके आ जाना है, आराम से है या बस स्टैंड है बगल में, बगल में बस स्टैंड है, बस स्टैंड से भी लोग आ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने डेंटल के बाद बताए।